Hello everyone. I am hoping that you are preparing well for CAT. So today we are going to discuss CAT 2018 log question. I think there are total four or five questions something. I'm not remembering the exact, but something four and five. Okay. So let's start our discussion. This is our first question. And मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहा हूँ लॉग के, वो आप हमेशा रिमेम्बर रखना व्हाइल सॉल्विंग द लॉग क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट ये है कि लॉग के पूरे फॉर्मूले याद रखो। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी लॉग का प्रॉब्लम है हमेशा उसको ट्राई करना कि ब्रेक करूँ। ब्रेक करोगे ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन आपको दिखने लगेगा। ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक ब्रेक द जो भी लॉग के प्रॉब्लम है उनको ब्रेक करो, जो फॉर्मूले पे बेस्ड है ब्रेक करो, ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा। थर्ड थिंग, जो लॉग डिफाइन होता है जैसे लॉग बी ए, तो बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल टू वन, ये ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी कभी लॉग में जैसे इक्वेशन रहे वहां वहां पे बोला है कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करो, मतलब जैसे एग्जांपल लॉग थ्री माइनस एक्स इक्वल टू लॉग समथिंग कुछ दे दिया यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करने के बाद जब भी हम एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, ये एक्स का वैल्यू हम जो इनिशियल इक्वेशन है या फिर जो एक्सप्रेशन है उसमें ऑलवेज वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि ये जो मेरा कंडीशन है लॉग के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ये फोर पॉइंट ये जो है आपको हमेशा याद रखना है जब लॉग के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। इसके अलावा और कुछ नहीं होता लॉग में, वेरी बेसिक टॉपिक है। सो 2018 का देखते हैं सॉल्व करके कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था या सिंपल बेसिक, या जो मैं फोर पॉइंट बताया उस पे ही बेस्ड था। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ एक्स इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी सच दैट 2 टू द पावर एक्स 3 लॉग 2 टू द बेस 5 देन एक्स इज इक्वल टू हाउ मच। सो वी हैव 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 3 लॉग 2 टू द बेस 5 2 to the base 5. Now we have to find the value of x. So यहाँ x power में है, so equate करने के लिए क्या हो सकता है कि 2 का power ही कुछ हमको लाना पड़ेगा, तभी हम 2 का power x से equate कर पाएंगे। So यहाँ पे देखो एक very standard formula है, जो formula है swap formula, लगा सकते हैं swap formula। So 2 to the power x equal to 2 log 3 to the base 5 swap formula। अगर नहीं पता है आपको तो लॉग का बेसिक सेशन देखो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक। सो एक्स इक्वल टू लॉग 3 टू द बेस 5। नाउ यहाँ पे भी हम लोग ये एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा ये पुराने वाला प्रॉपर्टी, नो एक्स का वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करना है ना। सो वी गेट द एक्स का वैल्यू लॉग 3 टू द बेस 5। सो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी पता नहीं, अच्छा ऑप्शन तो कोई मैच नहीं कर रहा है, सो वी हैव टू सॉल्व द ऑप्शन। आई थिंक डी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 8 है बेस में 5 है। सो एक बार बी सॉल्व करके देखते हैं ऑप्शन क्या आ रहा है। 1 प्लस लॉग 3 बाई 5 डिवाइडेड बाई लॉग 5। सो 1 प्लस log 3 माइनस log 5 बाई log 5 बाई log 5। सो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 1 प्लस log 5 3 टू द बेस 5 माइनस 1, सो 1 1 गेट कैंसिल। सो log 3 टू द बेस 5 एंड वी हैव log 3 टू द बेस 5। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ऑप्शन भी सॉल्व करना था। सो ये भी चीजें ध्यान में रखना कि जब भी कभी लॉग के प्रॉब्लम सॉल्व किए, अगर बाय द वे हमने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, सो ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, सो वहां भी सॉल्व करके ट्राई करना। सो हियर इज द ऑप्शन बी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, वेरी बेसिक क्वेश्चन, बस एक स्वैप प्रॉपर्टी लगाना था और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्वैप फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन आपको मॉक में भी मिलेंगे, कैट में एक बार आ भी चुका है, सो दैट्स व्हाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन एंड जस्ट वी हैव टू
सिंप्लीफाई इसको इन टर्म्स ऑफ लॉग। कुछ क्वेश्चन में रीड करने लायक है नहीं, सो वी हैव 4 माइनस पी 4 प्लस पी। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दे अभी। सो वी हैव लॉग 81 टू द बेस 12 इक्वल टू पी। सो कैन वी राइट लॉग 3 टू द पावर 4 12 इक्वल टू 4 log 3 to the base 12। सिंप्लीफाई कर दिया, पुट करते हैं पी का वैल्यू यहाँ पे। सो वी हैव 3 4 minus 4 log 3 to the base 12 minus 4 plus 4 log 3 to the base 12। ये 4 4 कैंसिल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर यहाँ से नहीं, सीधा कॉमन ले लो, कॉमन कॉमन से कट जाएगा। सो 3 1 माइनस, इसको हम log 3 to the 3 by log 12 लिख सकते हैं, ब्रेक करके log का फॉर्मूला। log 3, देखो यहाँ पे मैंने जो बोला था ना, सीधा ब्रेक करते जाओ ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा। तो वही वही मैं कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली मुझे आगे सॉल्यूशन दिखने लगेगा। सो 3 we have log 12 minus log 3 by log 12 plus log 3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एलसीएम लिया, सो ये log 12 ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब log 12 minus log 3 by log आता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर में लॉग है, सो वो कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो वी हैव लॉग, यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, एम एन वाला, m/n होगा लॉग लॉग एम माइनस लॉग एन। सो यहाँ पे 12 by 3 divided by log, यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा 12 into 3। और ये टोटल में हो गया 3। सो वी हैव 4 log 4 by log 36। कैन वी राइट 2 log 2 by 2 log 6। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मतलब 2 का पावर 2, सो ये 2 आ जाएगा यहाँ मल्टीपल में। लॉग का फॉर्मूला बेसिक, सो 2 2 कैंसिल आउट। सो वी हैव 3 log 2 to the base 6। सो वी कैन राइट दिस 6 2 का क्यूब log 8 to the base 6। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? log 2 8 नहीं, log 6 8। ओके, बी, ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। आई होप क्लियर है। कुछ कुछ नहीं था, बस सीधा ब्रेक करना था, सॉल्व करते जाना है। वही मैं बोला, ब्रेक करते जाओ लॉग के क्वेश्चन, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशन दिखेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन, और log 5 plus log 3 ए बेस 2 इक्वल टू 3 एंड 5 b 3। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू, वेरी बेसिक क्वेश्चन। बस एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना था, कौन सा वाला? log b to the a इक्वल टू x है, सो b इक्वल टू a to the power x। ये फॉर्मूला पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। सॉल्व करते हैं इसको। log 5 plus log a to the base 3, यहाँ base 2 है, इक्वल टू 3। सो ये आएगा उड़ के 5 plus log a to the 3 इक्वल टू 2 का क्यूब, मतलब 8। सो 5 और 8 कितना हो जाएगा? 3। सो यहाँ पे देखो, log a to the base 3 इक्वल टू 3, सो a इक्वल टू 3 का पावर क्यूब हो जाएगा, इट मीन्स 27। ये वाला सॉल्व करते हैं। सो log 4a plus 12 plus log b2 इक्वल टू 3 5। सो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 125। 4a plus 12 plus log 2b इक्वल टू 125। और 4a का वैल्यू हमको पता है 27, सो 27 इंटू 4 कितना होगा? 108।
प्लस 12 प्लस लॉग बी टू द बेस 2 इक्वल टू 125, सो 2 108 प्लस 12 120, और ये होगा तो कट के हो जाएगा 5। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये वाला प्रॉपर्टी, सो बी इक्वल टू 2 का पावर 5, इट मीन्स 32, एंड वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी, सो 5 7 9, सो 9 मतलब ऑप्शन डी, और 3 2 5, कोई था नहीं ये 3 2 5 मतलब 5 करने का, बस यूनिट डिजिट देखा, सबका डिफरेंस है, मतलब ऑप्शन डी मेरा आंसर होने वाला है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू, वेरी बेसिक क्वेश्चन, एक लॉग के प्रॉपर्टी पे पूरे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है लॉग के फॉर्मूला याद करना, ये एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन बेस्ड, ये भी मतलब सीधा इसको ब्रेक करना था, और कुछ नहीं बस सॉल्व करना था, ब्रेक करना था, ये भी एक फॉर्मूला पे बेस्ड। सो देखो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। सो सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आपको मॉक में दिखेंगे, फ्रिक्वेंटली मॉक में दिखेंगे आपको। सो वी हैव पी क्यू क्यू पावर 4 आर टू द पावर 4 एक्स इज देन द वैल्यू ऑफ लॉग एक्स पी क्यू आर इज इक्वल टू, वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सो वी हैव पी क्यू क्यू टू द पावर 4 आर टू द पावर 5 एस टू द पावर 6, ये सबका देखो हम कुछ वैल्यू एज्यूम करते हैं, कुछ के और वैल्यू, वो वैल्यू एज्यूम करते हैं जो इन सब का एलसीएम हो, मल्टीपल हो। सो क्या मल्टीपल ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 60, हाँ 60, के इक्वल टू 60, सो पी का वैल्यू कितना होगा, के टू द पावर 20, क्यू का वैल्यू के टू द पावर 15, आर का वैल्यू के टू द पावर 12, एस का वैल्यू के टू द पावर 10। नाउ वी हैव टू फाइंड लॉग पी क्यू आर एस, सो वी हैव लॉग पी क्यू आर मीन्स के टू द पावर 20 इंटू के टू द पावर 15 इंटू के टू द पावर 12 एस के टू द पावर 10। सो कैन वी राइट के इक्वल टू, ये सब को ऐड कर सकते हैं, बेस सेम है तो पावर विल बी ऐड, सो वी हैव 7 और 2 3 4 47 और के टू द पावर 10, सो वी कैन राइट हेयर 47/10 log k टू द बेस k, सो ये हो गया 1, सो 47/10 इज आवर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। वेरी बेसिक क्वेश्चन, बस यहाँ समझना था कि हम कुछ वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं जो ये पावर है उसका मल्टीपल मल्टीपल लेंगे, सो कैलकुलेशन विल बी वेरी इजी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। सो वी हैव 1/log 100 टू द बेस 2 - 1/100 बेस, ओके ओके, एंड इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंपली और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सो देखो मैं एक एक जो ये टर्म है इसको मैं एक सॉल्व करके पूरा डिटेल्स में बताता हूँ, फिर हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे। सो वी हैव 1/log 2 to the 100, सो कैन वी राइट 1/log 100/log 2, सो इसको हम log 2/log 100 लिख सकते हैं ना। सो ये मेरा एम था आपको समझाने का। सो अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि फिर पूरे को सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाएगा। सो वी हैव log 2 log 100 - log 4 log 100 प्लस log 5/log 100। देखो अगर एग्जाम सिनेरियो होता ना तो मैं ये भी पॉइंट नहीं लिखता, मैं कौन सा पॉइंट लिखता, जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना डायरेक्ट वो मैं लिखूंगा, जैसे log 100 log 2 - log 4 plus log 5 - log 10 plus log 20 - log 25 plus log 50, ये पे स्टेप में लिखता है एग्जाम सिनारियों में डायरेक्ट, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेस है, सो ये एलसीएम सेम होगा, सो यहाँ पे ऐसे आएगा, मैं फिर इसको लिख दे रहा हूँ एक बार, सो डेट आपको कंफ्यूजन ना हो। सो log 5, सो log 10/log 100 प्लस log 20/log 100 माइनस
log 25 by log 100 plus log 50 by log 100। अभी यहाँ पे ये आ गया। अब देखो ये जो पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये 1 सेकेंड, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, इसको हम मल्टीपल कर सकते हैं। मतलब जैसे ये फॉर्मूला है ना, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन। सो ये सबको हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं। सो वी हैव लॉग 2 इंटू 5 10, 10 और 2200, और ये 5 10,000। सो 10,000 माइनस ये सब, ये जो नेगेटिव में है ये सब में माइनस कॉमन ले लिया, सो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। सो वी हैव लॉग, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला पे। सो 4 इंटू 10 40, 40 इंटू 25 कितना हो गया, 1,000। 1,000 डिवाइडेड बाई लॉग 100, वी कैन राइट लॉग 10,000 बाई 1,000। सो 3 0 से 3 0 कैंसिल। सो वी हैव लॉग, ये 100 है, इसको हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो लॉग 10 बाई 2 log 10, सो ये कैंसिल। सो 1/2 इज राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वेरी नॉट वेरी बेसिक क्वेश्चन मतलब है, बस आपको ब्रेक करना था, थोड़ा सा सॉल्यूशन पार्ट था। देखो ब्रेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी हमने ब्रेक किया, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मुझे दिखने लगा। सो ऑलवेज ट्राई कि ब्रेक करो इक्वेशन को, कुछ भी अगर ना समझ में आए लॉग में ब्रेक कर दो, वहां से आपको कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिखने लगेगा। ब्रेक करो, फॉर्मूला याद रखो बस, और वो जो दो और पॉइंट बताए वो याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर लॉग। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन लॉग 19 के सॉल्यूशन के साथ। बाय गाइज, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।